हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रियलमी मोबाइल में देखिए हेडफोन या ईयरफोन वाली प्रॉब्लम आ रही है, ईयरफोन मोड या ईयरफोन मोड ऑन हो गया है, तो कैसे आप इसे बंद करेंगे, कैसे इसे हटाएंगे। देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको एक ईयरफोन ले लेना है और मोबाइल का जो ईयरफोन जैक है जहाँ पर ईयरफोन लगाते हैं उसमें आपको ईयरफोन को लगाना है। लेकिन ध्यान रहे आप उसे थोड़ा दबा कर लगाना, पिन में आप जैसे लगाते हैं तो थोड़ा दबा कर पिन लगाना ईयरफोन का। तो आप ऐसा करके लगाएंगे और लगाने के बाद इसे दबा कर 2 से 3 बार दोनों तरफ आपको दाईं बाईं दोनों तरफ आपको दबा कर घुमाना है। ज़्यादा ज़्यादा तेज़ मत दबाना। फिर देखिए क्या करना है, इतना करने के बाद आपको झटके से उसे बाहर निकाल देना है। अगर उसमें कोई कुछ लगा रहेगा जैसे कि धूल मिट्टी या फिर कोई भी कड़ रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो सही हो जाएगी, फिर आपका ये मोड हट जाएगा ईयरफोन वाला। तो गाइस इस तरीके से अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या करना है, देखिए एक कोई नुकीली चीज़ ले लेना है। लेने के बाद ईयरफोन जैक जो है मोबाइल का उसमें आपको लगा कर धीरे धीरे से साफ़ कर लेना है। ध्यान रहे आप उसे धीरे धीरे साफ़ करना। अगर आपके मोबाइल के ईयरफोन जैक में कुछ लगा रहेगा, कुछ कचड़ा रहेगा, धूल मिट्टी रहेगा तो साफ़ हो जाएगा, फिर आप उसे निकाल देना साफ़ करके। जैसे आप इतना कर लेते हैं फिर आप अपने देखिए ईयरफोन को लगाएंगे फिर से, तो देखिए मोड हट जाएगा और आपका जो मोबाइल रहेगा सही हो जाएगा। इस तरीके से अगर सही नहीं होगा तो फिर देखिए क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। कभी कभी सेटिंग से ही ऐसे लग जाता है। तो कैसे करेंगे रीस्टार्ट, देखिए मोबाइल का जो पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं इसे दबा कर रखना है 5 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से टैप टू रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका भी होगा। अब कुछ रियलमी के मोबाइल में ऊपर इस तरह स्लाइड करने का ऑप्शन आता है ऊपर की तरफ, तो आप ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना, उससे भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा और 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। अगर गाइस फिर भी सही नहीं हो रहा है तो फिर आपका आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान पर लेकर जाएं या फिर सर्विस सेंटर पर जाएं, वहां पर आपकी जो पिन है ईयरफोन जैक की उसे अच्छे से वो लोग चेक करेंगे, साफ़ करने लगा रहेगा साफ़ करके आपको दे देंगे या फिर एक नया पिन लगा कर दे देंगे, फिर आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।